Hi everyone, I'm Archita and welcome to my YouTube channel. So in this video, let's discuss the top things or the top places to include in your itinerary in case if you're planning a trip to Kerala. And also, इससे पहले मैंने इन सारी जगहों की detailed videos भी बनाई हैं. अगर अभी तक आपने वो check नहीं किया, तो उनका link भी मैं नीचे description box में डाल दूँगी. And now, without further ado, let's get this video started. सो नंबर ट्वेल्थ ऑन अ लिस्ट इज़ दी टी फैक्ट्रीज एंड दी टी प्लांटेशंस तो जब भी आप केरला के मुनार जाओगे जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी वहाँ तक आपको सिर्फ टी प्लांटेशंस दिखेगी एंड इसका मेजर रीजन है वहाँ का लैंडस्केप और क्लाइमेट जो टी प्लांटेशंस को सपोर्ट करता है एंड बीग अ टी लावो मैं तो बहुत एक्साइटेड थी देखने के लिए कि कैसे टी लीव्स को हैंड पिक किया जाता है और फैक्ट्रीज लाया जाता है जहाँ पे दे गो थ्रू मेनी स्टेजेस ऑफ प्रोसेसिंग एंड देन दे आर ट्रांसफॉर्म्ड इन टू दी टी रेडी फॉर ब्रूइंग इट इज़ डेफिनेटली अ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो आपको मिस नहीं करना चाहिए और ये पूरा एक्सपीरियंस हमने देखा था ट्रिपल टी म्यूजियम में नंबर इलेवेंथ ऑन आ लिस्ट इज सींग कथकली डांस एंड कलारी पट्टू शो सो जब भी आप केरला जाओ वाचिंग कथकली अ ट्रेडिशनल डांस ड्रामा विथ वाइब्रेंट कॉस्ट्यूम्स एंड एक्सप्रेसिव जेस्टर्स इज अ मस्ट उसके साथ साथ आप देख सकते हो कलारी पट्टू शो व्हिच इज एन एंशियंट फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट्स और ये शो बहुत छोटे छोटे बच्चे भी परफॉर्म करते हैं नंबर टेंथ ऑन अ लिस्ट इज़ द टॉप स्टेशन स्टैंडिंग टॉल एट हाइट ऑफ अबाउट 8,000 फीट ये जो टॉप स्टेशन है ये मुनार का हाईएस्ट पॉइंट है एंड जब यहाँ पे वेदर क्लियर होता है तो यू कैन ईजीली सी वेस्टर्न घाट्स एंड प्लेन्स ऑफ तमिलनाडु यहाँ से बट मेक श्योर टू विजिट दिस प्लेस एज अर्ली एज़ पॉसिबल इन द मॉर्निंग क्योंकि दिन में और शाम को ये प्लेस सुपर क्राउडिड हो जाती है नंबर नाइन्थ ऑन अर लिस्ट इज अ ब्यूटिफुल सिटी कोव्लम विच इज़ वेरी फेमस फॉर इट्स बीच एंड दिस कोवलम बीच इज अच्चर ऑफ बहुत गोल्डन एंड ब्लैक सैंड बीच एंड ऑनस्टली यहाँ पर जो सीनरी है ना वो किसी पोस्ट कार्ड पिक्चर से कम नहीं है एंड जस्ट एडज टू दिस बीच इज अ लाइट हाउस कॉल्ड एज द विजनजम लाइट हाउस जहाँ पे ऊपर जाके यू कैन एन्जॉय द पेनारोमिक व्यूज ऑफ द अरेबियन सी एंड द चेरी ऑन टॉप जो होटल हमने बुक किया था उस उसकी बालकनी से बीच का और लाइट हाउस का बहुत ही खूबसूरत व्यू आ रहा था नंबर एट ऑन आ लिस्ट इज द क्लिफ बीच इन वारकला बीचेस तो आपने बहुत सारे देखे होंगे पर क्लिफ बीच को देखना इज वन ऑफ इट्स ओन काइंड एंड दिस इज पॉसिबल इन वारकला वारकला को ना साउथ का गोवा भी कहा जाता है और यहाँ जो क्लिफ है इट इज़ ओवर लुकिंग द अरेबियन सी प्रोवाइडिंग स्टनिंग व्यूज एंड ट्रैंक्ल एटमोस्फेयर फॉर विजिटर्स और इसी क्लिफ पे लाइन से वाइब्रेंट शॉप्स कैफेज और अकोमोडेशन है एंड इट ऑफर्स अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ Relaxation and scenic beauty, making it a favored destination in Kerala. सो नंबर सेवेंथ ऑन आ लिस्ट इज द गोल्डन सैंड बीच इन पुवार एंड एज द नेम सजेस्ट इस बीच की सैंड पे जब धूप पड़ती है ना तो इट लिटरली स्पाकल्स लाइक गोल्ड और ये बीच जितना सुंदर है उससे भी ज्यादा थ्रिलिंग है यहाँ पे पहुँचने का तरीका बिकॉज दिस बीच कुड ओनली बी एक्सेस्ड थ्रू अ बोट राइड जो आपको डीप मैंग्रोव फॉरेस्ट के अंदर से लेके जाती है एंड बीच में और भी बहुत सारी अट्रैक्शंस आती हैं जैसे कि एलिफेंट रॉक मदर मेरी स्टैचू एंड सो ऑन सो नंबर सिक्स ऑन अ लिस्ट इज़ अ ब्यूटिफुल ऑफ बी डेस्टिनेशन जो थेकड़ी और एलोपी के बीच में आती है वागमन और ये जगह बहुत ही फेमस है अपनी मेडोज़ और पाइन फॉरेस्ट के लिए इनफैक्ट यहाँ पे जो मेडोज़ हैं इस कंसिडर्ड एज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मेडोज इन ऑल ऑफ एशिया और ये जगह अभी भी इतनी अनटच्ड है और यहाँ पे बहुत ही कम टूरिस्ट आपको मिलेंगे तो वागमन मेडो से सिर्फ 10 मिनट के डिस्टेंस पर एक से डेढ़ किलोमीटर का स्ट्रेच है और जब आप उस ट्रेल पर आते हो तो जहाँ तक आपकी नज़रें जाती है वहाँ तक आपको बड़े बड़े पाइन ट्रीज मिलेंगे इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस इन इट एंड आई वुड हाईली रिकमेंड टू इंक्लूड दिस प्लेस इन केस ऑफ यूर प्लानिंग अ ट्रिप टू केरला नंबर फिफ्थ ऑन आ लिस्ट इस कन्याकुमारी लोकेटेड एट ददर मोस्ट टिप ऑफ दैनलैंड इंडिया फेमस है अपने सनराइज और सनसेट व्यूज़ के लिए और ये वही जगह है जहाँ पे तीनों ओशन अरेबियन सी बे ऑफ बंगॉल एंड इंडियन ओशन मिलते हैं इट इज़ आल्सो नोन फॉर इट्स हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस एंड आइकॉनिक लैंडमार्क जैसे कि विवेकानंदा रॉक मेमोरियल एंड थिरु स्टैचू मेकिंग इट अ कम्पेलिंग डेस्टिनेशन फॉर ट्रैवलर्स एक्सप्लोर उंड साउथ इंडिया नंबर फोर्थ ऑन अ लिस्ट इज द बैक वॉटर्स इन केरला और इन बैक वॉटर्स को इंजॉय करने के लिए या तो आप दो से तीन घंटे की शिकारा राइड ले सकते हो या फिर यू कैन ऑल्सो बुक अ स्टे इन अ हाउस बोट इन एलपी और ये दोनों ही एक्सपीरियंसिस वन ऑफ अ काइंड है The houseboats are equipped with modern amenities, and you can enjoy the panoramic views of rural Kerala and traditional village life along the waterways. नंबर थर्ड ऑन अ लिस्ट इज़ जटायूज अर्थ सेंटर ये जो जगह है वो वारकला से सिर्फ 80 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर है एंड इज़ नोन फॉर हाउसिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बर्थ स्कल्पचर डिपिकटिंग द लेजेंडरी बर्ड जटायू फ्राम हिंदू एपिक रामायणा और स्कल्पचर के अलावा द सेंटर ऑल्सो ऑफर्स ब्रेड टेकिंग व्यूज ऑफ द सराउंडिंग हिल्स और यहाँ पर बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज जैसे कि रॉक क्लाइंबिंग ट्रैकिंग वगैरह भी होती है मेकिंग इट अ वेरी unique destination. नंबर सेकंड ऑन अ लिस्ट इज़ द एलिफेंट जंक्शन इन थेकरी ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे यू विल हैव अ डिलाइटफुल एंड मेमोरेबल इनकाउंटर विद द जेंटल जाइंस नॉट ओनली एलिफेंट राइड बट आप यहाँ पे एलिफेंट को फीड करा सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो टेक एन एलिफेंट शावर विच इज़ एन अनफर्गेटेबल एक्सपीरियंस एंड इन केस अगर आपके साथ बच्चे हैं तो इस जगह पर आके तो उनका दिन बन जाएगा एंड नंबर वन ऑन आ लिस्ट इज़ दी माइथी अथरापली वाटर फॉल्स इन फॉल्स को नायागरा फॉल्स ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और ये हमारी केरला ट्रिप की भी हाईलाइट थी वाटर फॉल्स तो मैंने बहुत सारी देखी है बट नथिंग लाइक इट एंड स्पेशली जब हम मानसून सीजन में गए थे तो यहाँ पर पानी का फ्लो इतना ज़्यादा था कि इट वॉज़ वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस एंड ये वही जगह है जहाँ पर बाहुबली की भी कुछ सीन्स की शूटिंग की गई है एंड इसी वाटरफॉल के टेन मिनट्स के डिस्टेंस पे और भी दो तीन वॉटरफॉल्स हैं तो आई वुड हाईली रिकमेंड टू इंक्लूड दिस प्लेस इन योर बकेट लिस्ट इफ यू आर प्लानिंग अ ट्रिप टू केरला थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल एंड नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इनमें से आपकी फेवरेट जगह कौन सी थी एंड इन केस अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेक श्योर टू तो सब्सक्राइब इससे हमें मोटिवेशन मिलती है ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोज़ बनाने के लिए एंड आई शो आल से यू सुनें द नेक्स्ट वॉन्ट